नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं तीन फंदे का और चार लाइन का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में, जेंट्स प्रोजेक्ट में, बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए तीन के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो मैंने 12 फंदे डाल दिए हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा। अब ऊन को अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और दो फंदों को लेंगे, एक दो, दो फंदों को एक साथ लेंगे और ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और दोनों को सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे। ऊन हमारा हमारी तरफ है तो यहाँ पे एक जाली बन गया, इसे उतार देंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब ऊन अपनी ओर करना है, अगला फंदा उल्टा बुनना है। ऊन को अपनी तरफ ही रखे हुए दो फंदों को एक साथ लेंगे और इस तरह ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और सीधा बुनते हुए। देखिए, अब ऊन हमारा हमारी तरफ है तो इस तरह ये ऊपर की तरफ से जाएगा, तो एक ये जाली पड़ गया और हमने सीधा बुन दिया, तो ये हो गए दो फंदे। अब इसे उतार लेंगे। अब फिर रिपीट पैटर्न, ऊन अपनी तरफ, अगला फंदा उल्टा। ऊन को अपनी तरफ रखे हुए ही दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे, उसे गिराएंगे, फिर ऊन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्टिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे, देखिए अगला फंदा सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा बुन लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर और दो फंदा उल्टा, ये फंदा और ये जाली दोनों को उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से फिर से रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा, एक फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा, एक और ये जाली वाला फंदा, दो फंदा उल्टा। फिर यहाँ से रिपीट पैटर्न, ऊन दूसरी ओर, एक फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा, एक और दूसरा जाली वाला फंदा, दूसरी ओर, लास्ट फंदा सीधा और ये एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो हमने ये दूसरा लाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, देखिए नेक्स्ट फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे, देखिए ये जाली वाला फंदा, तो इसे हम पहले लेंगे और नेक्स्ट फंदे दोनों को एक साथ लेते हुए ऐसे बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, तो यहाँ पे एक फंदा घट जाता है। अब क्या करेंगे कि ऊन दूसरी तरफ ही है और नेक्स्ट फंदा उल्टा है, तो इसे उल्टा बुनेंगे, ऊन दूसरी ओर रखे हुए ही इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए ये जाली बन गया और अगला फंदा हमने उल्टा बुन दिया। अब फिर नेक्स्ट फंदा ऊन दूसरी ओर करेंगे, ये जाली वाला फंदा और अगला फंदा, दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब ऊन को इधर ही रखे हुए नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो जाली देते हुए उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन दूसरी ओर, जाली वाला फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, दो का एक किया, नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो ऊन दूसरी ओर है और इसे हम यूँ ही उल्टा बुन देंगे, यानी जाली देते हुए उल्टा बुन देंगे। तो हमारे जितने फंदे थे वापस उतने हो गए। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन देंगे। तो इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे,
नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर, दो फंदे उल्टे, दूसरी ओर अगला फंदा सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा और नेक्स्ट फंदा दो फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर, देखिए सीधा फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर, दो फंदा ये जाली वाला फंदा और नेक्स्ट फंदा दो फंदा हम उल्टा बुन, ऊन दूसरी ओर सीधा लास्ट फंदा एज स्टिच इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं चार लाइनों को हमें बार बार रिपीट करना है जिससे ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत है, इसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालें, इसे कार्डिगन में डालें, जैकेट में डालें, कोटी में डालें, जेंट्स हाफ स्वेटर में डालें, फुल स्वेटर में डालें, बच्चों के स्वेटर में डालें, कैप में, हैट में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।